महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर अब अफसर नहीं रहेंगी। उनकी अस्थायी उम्मीदवारी को संघ लोक सेवा आयोग रद्द कर चुका है। ये झटका उन्हें मौजूदा समय में नहीं बल्कि उनकी भावी संभावनाओं पर भी लगा है। अफसर बनने से पहले ही जिस ठसक और जुगाड़ के दम पर पूजा चर्चा में आई थी, उसी ठसक ने उनके करियर पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पूजा से कहां चूक हुई है और कौन कौन से जुगाड़ उन पर भारी पड़े। सबसे पहले हम आपको पूजा खेडकर के बारे में बता देते हैं। पूजा खेडकर ने देश की सबसे प्रतिष्ठित आईएएस परीक्षा पास की थी। उनकी ऑल इंडिया रैंक 841 थी। वह ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाने की ठसक और एडिशनल कलेक्टर की चैम्बर पर कब्जे की कोशिश ने उनका सारा करियर बर्बाद कर दिया। एक गलती, केवल एक गलती और बिगड़ गया सारा खेल। पूजा खेडकर का मामला उस समय चर्चा में आया जब अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने की उनकी ख्वाहिश और पुणे के एडिशनल कलेक्टर सुहास दिवासे के चैम्बर पर कब्जे की उनकी कोशिश ने सुर्खियां बटोरी। इस संबंध में दिवासे ने पूजा की शिकायत भी की, जिसके बाद उनका ट्रांसफर वाशिम कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आपको बता दें, पूजा खेडकर के चर्चा में आने के बाद जब उनके आईएएस बनने की जांच शुरू हुई तो झूठ की एक के बाद एक परतें खुलती गईं। पूजा ने यूपीएससी के कोटे में आने के लिए ओबीसी कैटेगरी का फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाया था, जबकि वह क्रीमी लेयर ओबीसी हैं। खेडकर ने सिर्फ ओबीसी ही नहीं, दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट यूपीएससी में दिखाया हुआ था। पूजा खेडकर ने यूपीएससी में खुद को मानसिक दिक्कत होने और नजरें कमजोर होने की बात भी कही थी। इसके अलावा बाएं घुटने में लोकोमोटर दिव्यांगता की बात भी कही थी। यूपीएससी में ऐसे छात्रों के लिए बकायदा दिव्यांग कोटा होता है। इसके लिए यूपीएससी ने बकायदा एम्स में पूजा की जाँच कराने का फैसला किया। बता दें, यूपीएससी सिर्फ सरकारी अस्पतालों की रिपोर्ट को ही मानता है। यूपीएससी इस रिपोर्ट के जरिए इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि पूजा को सचमुच कोई मानसिक बीमारी है और उनकी नज़रें कमज़ोर है या नहीं। पूजा के मेडिकल टेस्ट के लिए यूपीएससी ने कुल 6 बार एम्स में डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूजा हर बार बहाना बनाकर टेस्ट करवाने से बचती रही। जब जाँच हुई तो पूजा के मानसिक सर्टिफिकेट को भी फर्जी माना गया। इतना ही नहीं, पूजा ने साल 2020 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को दिए आवेदन में अपनी उम्र 30 साल बताई थी, लेकिन साल 2023 में दिए आवेदन में 31 साल उम्र बताई। पूजा ने अपना और माता पिता का नाम बदलकर तय अटेम्प्ट में ज्यादा बार परीक्षा दी। ओबीसी उम्मीदवार केवल 9 अटेम्प्ट दे सकता है, लेकिन पूजा ने इससे ज्यादा बार एग्जाम दिया है। बता दें, पूजा खेडकर मामले की जांच के लिए यूपीएससी ने पिछले 15 साल के डेटा की समीक्षा की है। इसके बाद सामने आया है कि खेडकर का इकलौता केस था जिसमें ये पता नहीं लगाया जा सका कि खेडकर ने कितनी बार यूपीएससी का एग्जाम दिया है, क्योंकि उन्होंने हर बार न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपने माता पिता का भी नाम बदल लिया था। अब भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए यूपीएससी एसओपी ने यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। हर तरफ से घिरी पूजा ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूजा ने ये कहते हुए अदालत का रुख किया था कि उन्होंने किसी तरह की धांधली या धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि अपनी तरफ से जो भी सही दस्तावेज हैं यूपीएससी के लिए सामने वही पेश किए हैं। पूजा खेडकर की कहानी के एक सिक्के के दोनों पहलू से आप सभी रूबरू हो गए हैं। अब पूजा की इस कहानी पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।